उठाओ। कपड़ा किसने उठा लिया? आगे कपड़ा ऑडियो ऑडियो जल्दी करो, ये हेलो रोटियां भी दो। बस करो रोटी रोटी दो, बस करो वाली बात का ध्यान बस करो, दो रोटी दो खुले खुले रखे, ठीक है दो जी रोटी दो, बिस्मिल्लाह पढ़ के सज्जा तना खावन सुन्नत, बिस्मिल्लाह पढ़ो सज्जा तना खाओ। इत रोटी दे, गरीब नियम साहब इत रोटी चाहिए। लो बेटा रोटी और देना, रोटी और आप खोल के इधर भी दें। चलो बस आओ बेटो, पानी दे दो, अब पानी पिचाओ, पानी अगले ओ ओ ओ अगे एक एक बोतल दे ना जी सारे नु, इधर भी जो करी साहब, ये माशाल्लाह काफी लोग लाइव देख रहे हैं, जो देखने वाले उन्हें आप क्या पैगाम देंगे, जो आपने यहाँ पे देखा है और जो कैफियत है यहाँ पे? बहुत बड़ी तबाही देखी है और मैं लोगों को यही पैगाम दूंगा कि आप और जो है वो अपने अपने बच्चों की तरफ देखें, अपने घर की तरफ देखें कि अगर आपके बाल बच्चे और घर सारा पानी में डूब गया तो आप पर क्या कैफियत गुजरेगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या हालत बनी पड़ी है। तो यहाँ आप हर भाई को चाहिए कि वो अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात में और अखराजात में कुछ ना कुछ निकाल कर जरूर यहाँ लेकर आए, और खसूसी पैगाम ये कि खुद ब खुद ना लेकर आए, वहाँ मरकज़ के तहत लेकर आए ताकि मरकज़ के लोग वहाँ पहुँचाएँ जहाँ ज़रूरत है। सब ये जैसे हम अंदर आए हैं ऐसे यहाँ पे तो कोई भी नहीं पहुँचता, और कुछ लोग इस तरह के वो मेन पे जाके बैठ गए हैं, सब उन्हीं देखे और वहाँ से वापस चले जाते हैं, असल लोग और वो बड़ी है, मुस्तहकीन है वहाँ तक, तो ये लोग ये जिन तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए आप वहाँ पहुँचाएं जहाँ जरूरत है। और वो मरकज जानता है हाफिज अब्दुल करीम साहब जहाँ मौजूद हैं वहाँ आप आए होंगे, मरकज आए, वो उनका पूरा नेटवर्क है हर सूबे में, तो मिसाइल बन जाएंगे। जी मोहतरम कर साहब, जिस तरह आपने मेडिकल कैंप का भी दौरा किया, जी अभी तो देखा है अल्हम्दुलिल्लाह, विजिट किया है तमाम उलमा के साथ, तो तकरीबन 400 से जायद मरीज आज हमारे मेडिकल कैंप में चेक किए गए अल्हम्दुलिल्लाह। और वो भाई बता रहे थे अक्सरियत के साथ ना जिल्द के अमराज हैं लोगों में, चूँकि पानी में चल चल के पाँव ख़राब हो चुके हैं, फिर खाना टाइम पर ना मिलने, और असल जज्बा इसहार देखें कि हाफिज अब्दुल करीम साहब का जो बेटा है
वो भी वहाँ मौजूद, डॉक्टर यूसुफ साहब वो खुद, बल्कि वो कह रहे हैं कि जितने भी डॉक्टर हजरात मेरे यानी के साथ पढ़ते रहे हैं उन सबको मैंने बुला लिया और वो डॉक्टर आए हुए थे। बड़ा जज्बा है, बड़ा एहसार है, माशाल्लाह सब भाई जरूर एहसार का मजा। जी मौलाना इनामुल्लाह उस्मानी साहब आप पकड़ के खड़े, किसी को दे भी पता कर लें, सारे दोस्तों को रोटियां दी हैं, सालन भी दिया है, तो भी वो जिसको जरूरत होगी सामने मेरे सामने। जी जी घर मेरा मकान है सामने। जी जी हाँ जी रोटी चाहिए पानी चाहिए जो चाहिए दसिया जे जी खाना डेवने इंशाल्लाह। जी जी ठीक हो गया। जी मौलाना इनामुल्लाह उस्मानी साहब ये जो आपने आज हालात देखे हैं यकीनन ये वाकई बड़े काबिले रहम हालात हैं। ये देखें ना हर तरफ पानी पानी है, जिस तरह हमें रेगिस्तान में रेत ही रेत नजर आती है इसी तरह यहाँ पे पानी पानी नजर आ रहा है। तो हमने तो हर तरफ यही देखा है और ये देखिए जगह ये रास्ता ही नहीं है, इसी तरह कई घर हजारों घर ऐसे हैं जिनको रास्ता ही नहीं, पानी पानी है, लोग उधर से इधर नहीं आ सकते और इधर से जी पहुंचो बंजो 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 हालात में दो जी अपने भाइयों का ख्याल करें, अपनी बहनों का ख्याल करें और अल्लाह के लिए ये जज्बा एहसार अपने अंदर पैदा करें और अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करें ताकि अल्लाह हमें भी मुसीबतों से परेशानियों से बचाए। जी मौलाना अब्दुर्रफ़ रब्बानी साहब सबसे पहली बात तो ये है कि आप हमारे रोज़तुल खुतबा का आज ही सब ने इस पे आपको मुबारकबाद भी पेश करते हैं, खुश आमदीद भी कहते हैं। तो ये जो हालात आपने देखे हैं आज इसके यहाँ पे तशरीफ ले आए बहुत मशहूर हूँ कि रौज़तुल खुताबा उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शमूलियत का शरफ मिला। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पंजाब भर से उलमाए कराम का गुलदस्ता कि हमारे हजरत अल्लामा सैयद सत्यान शाह नकवी साहब हफ़ीज़ाहुल्लाह उनकी ज़ेर क़ियादत में आया और ये अवामुन नास को खाना तकसीम किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है यहाँ डेरा गाजी खां राजनपुर और दीगर इलाका जात में। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के ज़ेर तहत उलमाए कराम तकरीबन 20 से 25 से करीब उलमाए कराम आए हैं और ये मुतासर लोगों को खाना दिया जा रहा है इंशाअल्लाह नज़ीर, उनके साथ नकदी भी तआमुल किया जाएगा। जब आप तकरीर करने जाते हैं लोग आपको खाना पेश करते हैं, तो आज आपको खाना पेश करके इन लोगों को क्या महसूस हो रहा है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि हम ये जो लोग बेबस हैं उनको हम खाना दे रहे हैं। अल्लाह के फजल और रहमत से ये सब अल्लाह ताला का फजल है कि हमें बहुत अच्छे कायद मिले हैं जिन्होंने हमें ये लाइन दी है और लोग हमारे साथ तआवुन कर रहे हैं भरपूर, हम लोगों का तआवुन अवामुन नास तक पहुँचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया ये मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के साथ भरपूर तआवुन किए हैं। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकअल्लाह खैर। ये नाज़रीन किराम हालात थे जो आपको दिखाए गए हैं और ये सैलाब की जो सूरत हाल आपको बताई गई है। हमने मेडिकल कैंप का भी दौरा किया, तकरीबन 20 के करीब पंजाब के मरूफ़ उलमाए किराम, वो आज हमारा रोज़तुल खुतबा का खुशाब में इजलास था उसे हमने मुलतवी करके तो यहाँ आने को तरजीह इसलिए दी कि ये जो लोग यहाँ बैठे हैं माशाल्लाह और ये आप ही के तआवुन के साथ ये खा के और आपको इंशाल्लाह ताला दुआएं देंगे। और मोहतरम कारी बिन्यामीन आबद साहब ने और उस्ताद मोहतरम ने बहुत प्यारी नसीहत की है कि आपने नमाज की पाबंदी और खुसूसन इस्तगफार ताकि ये जो हालात हैं ये अजाब की कैफी, ये देखें ना ये जहाँ पे खेमा लगा हुआ और ये जो घर है इसमें अभी कोई जाने का रास्ता भी नहीं है और इस तरह का यानी ये, और ये एक बात आपको बताना ज़रूरी समझते हैं कि यहाँ पे जो लोग अपने तौर पे तावन करने आते हैं उनका तावन पहुँचता तो है लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो वहाँ पे मेन पे आ करके बैठ गए हैं तो वो जो ये लोग हैं इनका इन तक तावन नहीं पहुँचने देते, तो इनको तलाश करने के लिए काफ़ी अंदर का सफ़र करना पड़ता है, जो अंदरून शहर शहर से दूर जो रस्ते हैं वहाँ पर हमें जाना पड़ता है। तो इसके लिए आपसे गुजारिश ये है कि मरकज़ जमीयत अहले हदीस के प्लेटफॉर्म पर अपने जो अतियात हैं वो दें ताकि इन मुस्तहक लोगों तक पहुंच सके और ये जो सैलाब की कैफियत है ये अल्लाह ताला इस हमारे हालात पर रहम फरमाए, अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी पैदा फरमाए। तो मैं कोशिश करता हूं कि मोहतरम कारी यासिन हैदर साहब आप तो इस इलाके के हैं, इस इलाके की कैफियत को वैसे तो सब ने बयान की भी है देखी भी है, तो आप इस इलाके की कैफियत को थोड़ा सा मुख्तसर अल्फाज में। सबसे पहली गुजारिश यह है कि जितने भी उलमाए किराम तशरीफ़ लाए हैं पंजाब भर से हज़रत शाह साहब की क़ियादत में, मैं सबका मशकूर हूँ कि उन्होंने वक़्त निकाला और हमदर्दी की यहाँ तशरीफ़ लाए। और दूसरा मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ जो अहबाब तआवुन करना चाहते हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो वहाँ से खुर्द नोश या मटीरियल सामान ना ख़रीदें,
بلکہ وہ یہاں تشریف لائیں اور مقامی دوستوں کے ساتھ مل کے پہلے علاقے کا وزٹ کریں اور جو چیز بھی ضرورت ہوگی جو اپنے طور پہ باہر تقسیم کر جاتے ہیں اور ان لوگوں کا جو حق رہ جاتا ہے نہیں ہوتا کیونکہ حقدار لوگوں تک وہ چیز نہیں پہنچا کے جاتے اس لیے میری گزارش ہے مقامی جماعت کو ساتھ ملا کے جی اکرم شہزاد صاحب آپ تو فاضل پور راجن پور اور دور دور تک گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی جو میں نے دیکھا ہے راشن الحمدللہ لوگ دے رہے ہیں اپنے طور پہ بھی جماعتی بھی لیکن منظم یہی ہے کہ یہاں وہ ڈی جی خان میں حافظ عبدالکریم صاحب جو ناظم اعلیٰ ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ان کے پاس آئیں کیونکہ ان کے پاس لسٹیں ہیں یہ اندر جا کے لوگوں کو ٹوکن دیتے ہیں اور جو سلام متصرین ہیں ان تک یہ راشن پہنچاتے ہیں تو یہاں پوری جماعت آئے ان کو جمع کروائے تاکہ یہ ایک سلسلے کے ساتھ سب کو ملے اللہ تعالیٰ سب کچھ ضائع کرتا ہے ناظرین کرام ہمارا آگے سفر جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے استاد محترم کے ساتھ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ جگہ پہ جائیں گے وہاں پہ بھی جو مستحق لوگ ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ کل تک ہم یہاں پہ دو دن ہم ان لوگوں کے ساتھ گزاریں گے جو اس وقت دکھ کی مصیبت کی اس گھڑی میں ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ